तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट लाइलैक एंड ईगल स्वागत करता हूँ राइड 5 सीरीज में, जहाँ ये सीरीज होने वाली है राइड टू माय होम टाउन, जो कि पहला एपिसोड था। और उसके बाद फिर जितने भी मेरे घर के आसपास जितने प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपने कल का एपिसोड देखा होगा राइड टू माई होम टाउन, जहाँ पर मैं पुणे से मेरे होम टाउन आया वाया अहमदनगर, फिर छत्रपति संभाजीनगर, अजिंठा घाट और फिर होम टाउन। तो वो एपिसोड अगर आपने देखा नहीं होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ के साथ आई बटन पे भी आ जाएगा। आज का प्लान है डे टू का। तो डे टू का प्लान ऐसा होने वाला है कि इसमें हम जाने वाले आज एलोरा केव, जिसे लोकल लैंग्वेज में वेरुल लेनी भी कहते हैं। वेरुल लेनी, अब इसे वेरुल लेनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेरुल गाँव के पास है, जैसे अजिंठा घाट है, सॉरी अजिंठा लेनी है, वो एक्चुअली अजिंठा गाँव के पास है, उस वजह से उसे अजिंठा लेनी कहा जाता है। तो अभी पहले रूट की बात करते हैं। अभी हम निकले मेरे होम टाउन से, फिर उसके बाद हम जाएंगे पहूर, पहूर से हम लेंगे लेफ्ट जो कि जाता है संभाजीनगर, फिर संभाजीनगर क्रॉस करने के बाद हमें एक डिवाइडर आएगा जो कि लेफ्ट ले जाएगा हमें नगर की ओर और राइट ले जाएगा चालीसगांव की ओर, जिसे संभाजीनगर चालीसगांव रोड भी कहते हैं। वहाँ से फिर हम जाएंगे वेरुल गाँव, और वेरुल गाँव जाने के बाद फिर हमें एक राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है, वहाँ से भी 30 किलोमीटर पे लेनी है। तो ये बात हो गई रूट की। अब बात करते हैं एलोरा केव ही क्यों हमने चूज किया इस बार, ठीक है। कभी जैसा मैंने पहले ही बोला था, एलोरा और अजंता ये दोनों यूनेस्को से एक्रेडिटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और ये दोनों एक्चुअली केव्स है, सबके दोनों के कुछ नंबर्स ऑफ केव्स बने हुए उसमें। तो एलोरा में टोटल हंड्रेड ऑफ केव्स है, हंड्रेड ऑफ गुफाएं है, उसमें से सीन ये है कि ओनली 34 मतलब 34 ही ओपन है हम लोगों के लिए, बाकी वगैरह ओपन नहीं है क्योंकि उसमें कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या फिर तो एक तो वो बहुत ज़्यादा लंबा एरिया में बना हुआ है तो उस वजह से फिर मे बी वो भी होगा, बट फिर भी 34 ओपन है। अब 34 में से 17 जो है, पहली 17 1 to 17 वो एक्चुअल में हिंदू केव्स है, हिंदू गुफाएं है। उसके बाद फिर जो है ऑलमोस्ट 12 जो है वो बुद्धिस्ट केव्स है, और वो बुद्धिस्ट केव होने के बाद फिर बचती हैं 5 34 में से, वो है जैन केव। अब ये तो एज पर रिलीजन केव का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि बनाने वाले ने बनाया, हमने उसमें कुछ नहीं किया। अब आते हैं वो 17 में से, जो फर्स्ट 17 है उसमें से एक केव है 16 नंबर की, ठीक है। अब उस केव की खासियत यह है, उस गुफा की खासियत यह है कि वो दुनिया में अकेला एक ऐसा स्कल्पचर है, एक ऐसा कारीगरी का काम है जो बड़े से पत्थर में बनाया गया है। और अभी उसकी मैं कट जो अंतर है बनाने का वो तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता वो चीज़। दुनिया का सबसे बड़ा अकेले सिंगल पत्थर में, अखंड पत्थर में बनाया हुआ एक मंदिर है, वो हिंदू मंदिर है भगवान शिव शंकर का। तो जब आप वो देखोगे ना सीन, भाई साहब मजाक नहीं, मेरे पास शब्द नहीं उस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा है, विशाल का है, और वहाँ की कला देखने लायक है। मतलब वो जो कला बनी है ना, वैसी कला हमें कहीं और दिखने नहीं मिलती। हाँ, जैसे अभी एक मूवी आई थी हंबीरराव मोहिते, उसमें शिवाजी महाराज कहते हैं कि धर्म म्हणून नाही तर कला म्हणून तरी या प्रतिकृतींकडे बघितलं पाहिजे, और जो कला का आदर नहीं कर सकता वो धर्म का आदर नहीं कर सकता, ऐसा शिवाजी महाराज ने कहा था उस मूवी में, जो कि सही बात है। अगर आप कला का आदर नहीं करते हो तो उसके सौंदर्य को नहीं समझते हो तो फिर आप धर्म को भी अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उसका मानवता के लिए अच्छा यूज़ नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये रहा वो डिवाइडर जहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं तो अजंता, एलोरा और जाते हैं छत्रपति संभाजी नगर। हमने अभी ये लेफ्ट ले चुका है, ले लिया है, और निकलते हैं अगले सफ़र की ओर। जैसे साथ साथ देख रहे हो सनराइज भी हो चुका है, मस्त तो सही लग रहा है यार ये एक्चुअली। अभी साइन बोर्ड पे दिखा हुआ आएगा पुणे ऑलमोस्ट 335 किलोमीटर, औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर 104, सिल्लोड 35, अजिंठा लेनी 3 किलोमीटर। तो अब ये जो टी पॉइंट है ना, ये एक्चुअली डिवाइड होता है संभाजीनगर के लिए और एलोरा केव्स के लिए, वेरुल लेनी के लिए। तो अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो जाएंगे डायरेक्ट छत्रपति संभाजीनगर, ऑल दो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो डिस्टेंस तो वैसे भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, गिन के 28 किलोमीटर है, जो कि 37 मिनट्स बता रहा है पहुँचने को। मतलब हम पहुंचेंगे ऑलमोस्ट एट 10:15 और 10:18 समथिंग, फिर उसके बाद वहाँ अंदर कितना वक्त लगता है कौन सा। एंड हियर वी गो। रोड अच्छा है यार घाट का, मतलब प्रॉपर टारमैक है, और वो भी प्लेन वाला, तो टायर चिपक के चलते हैं यहाँ पे।
That's why you need a proper roads in Ghat so that you, your tires can stick up and give you a better grip. वाह यार, पुरानी यादें ताज़ा होती हुई यहाँ पे, लिटरली नॉस्टैल्जिया आ रहा है मेरे को अभी। जब मैं शाइन पहली बार लेके आया था, एक्चुअली वो फर्स्ट राइड थी मेरी शाइन पे, और उस टाइम में मुझे घाट मिला था ये वाला, मतलब अजंता घाट भी क्रॉस किया, एलोरा घाट भी क्रॉस किया एक ही सिंगल राइड में, एंड दैट टू इन द फर्स्ट एवर राइड ऑफ माई लाइफ इन द शाइन। हो गया खत्म घाट, ज़्यादा बड़ा घाट नहीं है, इससे सीनिक तो है, और अगर बारिश में आओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। अगर अबाउट रीच द एलोरा केव्स नाउ, जस्ट 1 मिनट मीन 500 मीटर टाइम अच्छा खासा लग गया है, मतलब 3 घंटे लगते हैं। 7 बजे मैं निकला था, तो 7 बजे निकले, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं 10:26, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे तो हो गए। सी वेलकम टू द एलोरा केव्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ से 1 से 15 तक की केव्स है जो हम अभी पूरे एक एक लाइन से देखते 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 जाएंगे। इधर यहाँ लेफ्ट साइड में एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे 16th नंबर केव जो कि हमारा कैलाशा टेम्पल है, तो हम देखते हैं वो पहले 1 to 15 करते हैं, फिर उसके बाद बाकी 16th केव और फिर आगे की केव्स करते हैं। वहाँ पे गाइडी दादा उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए कि कौन सी केव के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे ये बनाई गई, यहाँ पे क्या क्या संशोधन किया गया वो सब। तो ये रही फर्स्ट केव, लेनी क्रमांक 1, गुफा क्रमांक 1, केव नंबर 1 जो कि ऐसे दिखती है, ऊपर पूरी चट्टान पत्थर और नीचे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। चलो फिर अंदर चलते और अंदर का मुआयना लेते, पानी का हल्का हल्का संचय। सो दिस इज द केव नंबर 1, तो शायद से ये बस एक छोटी छोटी रूम्स की तरह ही बनाए गए हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, और ऊपर खड़ी अच्छी सी चट्टान और नीचे जो भी उनकी कारीगरी है वो सब, वे छोटी छोटी सी रूम्स है यहाँ पे, ऐसे कुछ छोटी छोटी रूम्स जो हमारे बेडरूम्स होते हैं वैसे, और ये एग्जैक्ट है। सो दिस इज केव नंबर 2। अब देखते हैं इसका स्कल्पचर कैसा है, ऊपर फ्रॉम द राइट साइड टूवर्ड्स द लेफ्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द अपसाइड। सो ये एंट्री, यहाँ पे भी एंटर करते हैं। तो अभी हम जैसे केव नंबर 2 में हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको हिंदू स्कल्पचर्स मिलेंगे और कुछ बुद्धिस्ट भी, तो देखते हैं इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा केव नंबर 3, कितना नीचे है, अच्छा खासा नीचे बनाया हुआ है।
इतने बड़े पत्थर के ऊपर इतना छोटा सा स्कल्पचर। ये देखो, ये रहा केव नंबर 3। कोई नहीं, यहाँ पे बहुत कम भीड़ है। अच्छा है, जितनी कम भीड़ उतना अच्छा अपने को देखने में मिलता है। ऑल्दो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों का ना आना, क्योंकि जितना हमें अलाउड है देखने का उतना उनका भी हक बनता है यार सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का। चलो देखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, नहीं अभी हो गया ठीक। ये देखो, सेम जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं ना, एक सेंटर में एक हमारी मूर्ति होती है भगवान की, उसके बाद फिर पूरा एक गर्भगृह, वैसा ये गर्भगृह बनाया गया है पिलर्स 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 के साथ, जिसे हम सभा मंडप भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डेवोटीज बैठ के अपना साधना वगैरह कर सकते हैं, या फिर शांति से बैठ सकते हैं 5-10 मिनट और फिर अपना अपने काम पे निकल सकते हैं। तो ये रहा केव नंबर 3, हमने देख लिया। अभी हम चलते केव नंबर 4 की ओर। जो देख रहे हो ना, यहाँ पे एक वाटरफॉल रहता है केव नंबर 4 के पास। अभी मानसून नहीं, उस वजह से पूरा ड्राई है, बट जब आप मानसून में आओगे ना तो भाई बहुत सही देखने लायक होता है ये। तो एक बार करेंगे ट्रिप अगर प्लान हुआ तो, और आपको वाटरफॉल भी दिखाएंगे। नाउ वी आर एट केव नंबर 4, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा बॉटम ऑफ दैट वाटरफॉल, फिर ये ऊपर से स्प्रिंग आते हुए। तो ये रही केव नंबर 5। अब इस बाहर से अगर हम इसे देखते हैं तो बहुत बड़ी है। पहले हम इसकी हिस्ट्री का बोर्ड पढ़ते हैं, देन वी विल एंटर द केव। वो रहा बोर्ड। सो दिस इज द होल एरिया ऑफ केव नंबर 5। अच्छी खासी बड़ी है एक्चुअली। इसकी हिस्ट्री मैंने जहाँ पे अभी बोर्ड का फोटो लिया था वो देख लेना। तो यह केव नंबर 6, अब इसे देखते हैं। यह अच्छा खासा बड़ा सभा मंडप जैसा दिख रहा है। ऑल्दो जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये सब एक सिंगल पत्थर में बना हुआ है, बट इस सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट जो है वो हमारा ग्रेट कैलासा टेंपल है, कृष्णेश्वर मंदिर, वो भी देखते हैं। अभी ये 6 नंबर की केव पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर आगे आगे प्लान बढ़ता रहेगा। अरे बाहर का व्यू बहुत सही यार, बहुत सही। जिस जिस गुफा का एक हिस्ट्री बोर्ड मिलेगा वो मैं शूट करूँगा, आप ट्राई करना पॉज करके पढ़ने का, ताकि आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और एक अच्छी हिस्ट्री पता चले कि उस लेनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी उस टाइम। 6th हवा हमने देख लिया, यहाँ ऊपर आना पड़ता है, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से हम 7th से 15th तक की केव्स देखेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ये देखो, ऐसा उतरना पड़ता है यहाँ पर, जो कि आपने पहले टाइम शिफ्ट में देख ही लिया होगा। यहाँ से निकले बाहर से, यहाँ पे लिखा हुआ भी है केव नंबर 6-1, और ये रही उसकी एंट्री। और यहाँ से पूरा 6, 5, 4, 3, 2 और 1 एंड में। 7th में आई गेस क्लोज्ड है, क्योंकि लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। सी, ये तो ऊपर का है 6 नंबर का, और ये इधर 8th नंबर। सो दिस इज द 8th नंबर, हियर वी गो। ये देखो यहाँ पे भगवान, अब कौन से भगवान है वो तो नहीं पता क्लियरली, बट बहुत सही दिखता है। ये रही अब 10th नंबर केव। एक्चुअली 9th केव 8th वाली केव के साथ ही थी, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे प्रॉपरली देखा नहीं। चलो अभी 10th नंबर की केव देखते हैं। बाहर से इसका लेआउट ऐसा दिखता है, ये देखो ऊपर हर जगह पे एक अलग ही नक्शीकारी बनाई भाई, सच में एक चीज़ देखने लायक है। मेरा एंट्रेंस,
अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये स्कैन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उसकी। और ये रहा हमारा हिस्ट्री बोर्ड, पॉज करके आप इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हो। अब जैसे हमने हिस्ट्री बोर्ड पे पढ़ा, ये अकेली के वैसे जो दो मंजिल के, तो ऊपर जाने के लिए हमें एक रास्ता भी यहाँ पे ये रहा सामने। चलो फिर अभी ऊपर जाते हैं और ऊपर से देखते हैं। ऊपर आए और ये रहा यहाँ का व्यू, ये देखो नेक्स्ट लेवल स्कल्पचर है। अगर आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक गाइड मिलता है एलोरा केव्स का, हर जगह मिल जाता है, बाहर भी आपको मिल जाएगा, वो लो, वो पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग फिर हर केव के बारे में आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो फिर गाइड कर लो। तो ये रहा वो गुफाओं का नक्शा, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गुफाओं के बारे में, जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हो इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, मतलब जब जहाँ पे भी हम खड़े हैं वहाँ से कहाँ कहाँ डिस्टेंस है, और केव नंबर केव जो हमने अभी देख ली 2 मिनट के डिस्टेंस पे, फिर 16 है, 120 मिनट्स, फिर 29, 720 और 32। अभी ये जो 29 और 32 उसके वहाँ जाने के लिए हमें एक ई रिक्शा भी मिलती है, तो कुछ 30 to 35 रुपीज़ का उसका रेंट है देना, और फिर वहाँ जाके हम आ सकते हैं। तो भी आपको मैं मैप दिखा देता हूँ अच्छे से, ये रहा पूरा मैप, पॉज करके देख लेना। और ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे 1 2 3, ये सारे लेआउट्स है, ये टॉप व्यू है इसका, तो ये सारे केव्स के लेआउट है अच्छे से, कैसे देखो, ये रहा हमारा 16 नंबर का कैलासा मंदिर, उसका लेआउट ऐसा, ये पूरा एक सिंगल पत्थर में बना हुआ है, तो देखने में बहुत सही लगेगा। सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे होती है 16 नंबर पे, बाकी ये सब केव्स है यहाँ पे, सबका अपना अपना डिफरेंट लेआउट, 29, 30, 31 और 32। तो 29 और 32 के लिए हम जाएंगे वो पिकअप जो भी है ट्रैवलिंग वाला वो लेके, और फिर वहाँ फिर हम एक्सप्लोर करेंगे। चलो फिर चलते हैं। कैपन ड्रॉप पॉइंट जहाँ पे आपको ई व्हीकल मिलेगा, और फिर वहाँ से आप बाकी जो भी केव्स है 29 और 32 उसके लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारे 10 केव्स तो हो गए, अभी 11th नंबर इधर है, वो भी देखते हैं। चलो ये रहा 11th नंबर केव का बोर्ड, 11th नंबर केव, तो ये इसकी एंट्री और ऊपर उतना स्कल्पचर, सो लेट्स एंटर। ये काइंड ऑफ स्कूल की बिल्डिंग जैसा दिखता है, अगर आपको याद आ रहा हो बचपन में जो स्कूल्स थे वैसे, इधर ब्लॉक से इधर उधर हम घूमते रहते हैं। तो ये रहा नीचे का सेक्शन पूरा, और अगर हमें ऊपर जाना है ऊपर के फ्लोर्स पे, तो उसके लिए ये इधर एंट्री पॉइंट, और यहाँ से फिर अंदर जाके ऊपर ऊपर जाने के लिए एक्चुअली ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से दिख रहा है अभी। ये देखो क्या स्टीव स्टेयरकेस है भाई, फुल छाती पे। तो ये हम आ गए सेकंड फ्लोर पे, ये रहा इधर, द फर्स्ट वन सही, ये रहा बाहर का व्यू एकदम मस्त, ये सेकंड, वो देखो रिक्शा दिख रही है वहाँ पे, थोड़ा जूम करते हैं, हाँ हो रही। तो ये रिक्शा से हम बाकी केव्स में जा सकते हैं जो कि बहुत दूर है, 29th और 32। ये रहो एक और मूर्ति, सब बुद्धिज्म की मूर्ति ज़्यादातर, ये नॉर्मल रूम। चलो अभी हम जाते हैं थर्ड फ्लोर पे, और उसके बाद फिर
12th नंबर। अभी अंधेरी गुफा में ले जाएगी थर्ड फ्लोर पे। क्या स्टीप स्टे कैसे यार, एकदम खतरनाक, डायरेक्ट ऊपर छाती पे। चलो फिर भी चलते हैं, उतरते वक्त मजा आएगा ब्रो। यहाँ पे एक्चुअली कोई आता भी नहीं ऊपर ज़्यादातर, देखो कोई भी नहीं है। ये रहा अंदर थर्ड फ्लोर, व्यू काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, बहुत सही, लिटरली पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है। चलो फिर ये भी देखते हैं और आगे निकलते हैं। यहाँ पे हमारा 11th केव का सफ़र होता है ख़त्म, अब चलते हैं आगे। हियर वी गो, केव नंबर 12। ये रहा एंट्री और इसका अपर पार्ट, ये भी सेम है शायद से 11th नंबर के जैसे, फ्लोर बाय फ्लोर। सेम तीन तीन फ्लोर वाला ये भी, इसमें ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा हिस्ट्री बोर्ड, जो नीचे हॉल है ऊपर से वो हॉल है, जो नीचे मूर्ति भगवान का तो वही मूर्ति ऊपर है। आप नीचे का हॉल देख लीजिए, नंबर 10 पे चलते हैं। ये रहा नंबर 13 और नंबर 14। तो अभी हम नंबर 14 देखते हैं क्योंकि 13 में ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, बस एक नॉर्मल सभा मंडप है ओपन। तो चलो फिर अभी हम 14 देखते हैं। अब ये देखो रावण की गुफा, जिससे कहा जाता है, जैसे हिस्ट्री बोर्ड पे लिखा है ये रावण की गुफा है, तो इसमें स्कल्पचर्स देखो कितने सही सही है, और ये सब हिंदू स्कल्पचर्स है देखो, जो हमारी शैली में दिख कर आते हैं पुरानी। ये रहा वराह अवतार, दशावतार में से एक अवतार विष्णु भगवान का। ये रहा 15th, चलो अभी 15 देखते हैं। बोलते बहुत लंबी चौड़ी हाइट पे है, ये देखो वहाँ पे चढ़ना है अभी, तो चलो क्लाइम करते हैं। ये रहा अपना हिस्ट्री बोर्ड अगेन, Oh,
केव नंबर 30 के लिए आपको ऊपर ट्रेक करना पड़ेगा। तो हम ट्रेक करते हैं, जाके देखते हैं ऊपर कैसा है। इसके पहले मैंने कभी देखा नहीं एक्चुअली है। लेट्स सी हाउ इट गोस। ये रहा 30 ऊपर। दिस लुक एट द व्यू एट द टॉप ऑफ केव नंबर 30। दिस इज द केव नंबर 30। लगता है यहाँ पे कोई ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट जो सिनेरियो है ना भाई, खतरनाक। चलिए हम ट्रेक करते नीचे की ओर और देखते हैं केव नंबर 31, 32, 33। तो केव नंबर 15 से इधर 30, 31 के लिए आने के लिए आपको एक छोटी सी गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो करनी पड़ती है। अराउंड 30 रुपीज़ उनका चार्ज है जो सामने दिख रही है अभी। वे आपको इस राउंड तक लेके आते हैं। तो अभी बाकी जो केव्स है वो देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। गुफा नंबर 31। ये रहा ऐसी एंट्री, सॉरी ये इधर है 31। तो छोटी सी है यार, इसमें कुछ है भी नहीं ज़्यादा, बस एक छोटा सा नक्शी काम है और ख़त्म। उसके बाद जो है 32। ये है भाई, ये है देखने लायक, अच्छा खासा बड़ा स्कल्पचर है। द हिस्ट्री बोर्ड इज हियर। अभी यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ लो जो भी पढ़ना है। केव नंबर 32 गजमुख। तब हम पहुंचे 29 नंबर पे आफ्टर टेकिंग द ई रिक्शा। वहाँ रहा अपना हिस्ट्री बोर्ड, देखते हैं। ये रहा हमारा हिस्ट्री बोर्ड, चलो पढ़ते हैं अभी क्या गया इसमें इन्फॉर्मेशन। ओ भगवान शिव को समर्पित है, सीता की नानी, क्या बात है। चलो अंदर देखते हैं फिर अभी। ये रहा सराउंडिंग, पिलर्स एंड पिलर्स एंड पिलर्स, और बीच में गर्भगृह है, सभागृह, सॉरी आगे वो गर्भगृह रहेगा मंदिर के पास।
ये रहा गर्भगृह अंदर। आगे देखो भाई क्या व्यू है, ये ऐसा लग रहा है कोई वाटरफॉल वगैरह होता है यहाँ पे। देखते चलो, बहुत से स्कल्पचर यहाँ पे अभी टूट चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट स्टिल इट्स गुड। सो ही वो व्यू, पानी वानी, ये देखो चोर रास्ता, ऐसा खुफिया रास्ता दिख रहा है पूरा, पता नहीं आगे क्या है। टॉप व्यू सेक्सी। ये कुछ अलग ही डिफरेंट स्कल्पचर है देखो, यहाँ से नीचे तो यहाँ से ट्रिक करते 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 हम वहाँ आगे जाएंगे, चलते हैं। नटराजन की मूर्ति, बस ये छोटी सी एक्चुअली, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं 27th और उसके आगे 26 वगैरह किस नंबर की सारी केव्स। ये रहा ट्रैक फिर से, ये रही केव नंबर 27 जहाँ पे राम सीता लक्ष्मण और एक प्रॉपर स्कल्पचर, और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश उनके स्कल्पचर्स। और ये रही केव नंबर 26, ये अच्छी खासी लंबी चौड़ी बड़ी है, बस अंदर जाके देखते क्योंकि सामने मूर्ति भी है दो तीन बने हुए। ये कुछ सभा मंडप जैसा दिखता है और यहाँ पे मूर्तियाँ। और इस केव की ये जो खासियत है ना, यहाँ पे शिवलिंग है, मतलब ये 26 नंबर में शिवलिंग है और आगे जो 27 नंबर है वहाँ पे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक जगह पे ब्रह्मा विष्णु महेश और एक साइड पे सीताराम लक्ष्मण जी की मूर्ति है। देख लो ये 27 नंबर और फिर हम आगे निकलते हैं, सर 26 नंबर और फिर हम आगे निकलते हैं। ये रही 25th नंबर, देखो यहाँ से एंट्री ऊपर जाने का, और ये ऊपर का आर्किटेक्चर ऐसा छोटा सा, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये अच्छा दिखेगा। छोटा सा जलाशय, ये ऊपर का नजारा कुछ ऐसा। ये देख रहे हो किस तरह से कुछ अलग ही नक्शी काम है, कुछ यंत्र जैसा कुछ था यहाँ पे जो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो तबाह कर दिया है, बट स्टिल थोड़े बहुत अवशेष हैं यहाँ पे बचे हुए, देखते हैं। ये पूरा एक फिर से सिंगल, बारिश के टाइम पे देखना पड़ेगा क्योंकि इतना सही वाटरफॉल जाता ना यहाँ से। अच्छे मेरे देखो इतना लंबा चौड़ा, 23rd के हमारे सामने मोस्ट आर्किटेक्चर है, सिंपल एंड सॉर्टेड। अब अगर हम लेफ्ट को जाते ना तो गणेश और जोगेश्वरी लेनी है, तो चलो उधर जाते और वही देख के आते हैं। सो दिस इज़ गणेश एंड जोगेश्वरी लेनी, जो कि इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि लेफ्ट में अगर देखोगे ये रहा तो गणपति बप्पा की मूर्ति है जिन्हें गणेश भी कहते हैं हम, और राइट साइड में
जोगेश्वरी माता की मूर्ति है, इसलिए इस लेनी को कहा जाता है गणेश और जोगेश्वरी लेनी। देखो यार व्यू क्या सही आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट टॉप पे है ना यहाँ पे अभी, तो पूरी तरह से एकदम क्लियर। ये रहा केव नंबर 22। चलो अभी देखते हैं इसको। देखो ऐसा कुछ भी अभी यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो सामने नंदी भगवान की मूर्ति है, मतलब शिवलिंग या फिर शिव मंदिर होगा, तो जाके अंदर देखते हैं कैसा है। ये रही नंदी भगवान की मूर्ति, रही वो नंदी भगवान की मूर्ति और सामने शिव भगवान का मंदिर जो दिख रहा है, सामने शिवलिंग है। चलो दर्शन करो गणपति बाप्पा। और ये रहा सामने शिवलिंग। केव नंबर 21 का, गुफा नंबर 21 का, और व्यू देखो यार इतनी लंबी चौड़ी अच्छी खासी। अब चढ़ते हैं यहाँ ऊपर और अंदर का मुआयना लेते हैं और आगे बढ़ते। स्टेज तो देखो कितने प्रॉपर फिट एंड फिनिश है। सामने नंदी महाराज की मूर्ति, मतलब ये भी शिवालय या फिर शिवा से ही कनेक्टेड होगा। चलो वो रहा अपना हिस्ट्री बोर्ड, देखते हैं। तो ये भी भगवान शिव को समर्पित है, जैसे हमने 22 देखने वाले में आगे सेम वैसे ही। वहाँ पे हिंदू स्कल्पचर्स, यहाँ पे सामने शिवलिंग। एक छोटा सा आर्किटेक्चर है जो मैं अभी देखने का ट्राई कर रहे हैं। ये देखो नक्शी काम कितना सही अच्छा है यहाँ पे। ट्राई तो कर रहे कि जितना हो सके उतना पूरा कवर करें, तो जितने भी गुफा है यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कवर करें, और हो भी जाएंगे क्योंकि टाइम है अपने पास बहुत सारा, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो कर दे धीरे धीरे। तब हम पहुँच चुके लेनी नंबर 20 जो कि रही यहाँ पे ऊपर। चलो अभी ऊपर जाते हैं और देखते हैं। इधर है, इधर से ऊपर होके फिर उधर वो दिख तो रहा है। चलो ट्राई करते हैं जाने। स्टेयर्स अगेन, और फिट एंड फिनिश बहुत सही है यार इनका स्टेयर्स का, ऑल्दो इतने जमाने पुराने हैं स्टिल। ये रही ये रहा बाहर का व्यू है हम, और ये रहे हमारे हिंदू देवता। सही, अब उतरते हैं ये चढ़ाई। दिस इज केव नंबर 19B इसके लेफ्ट में। चलो फिर अंदर देखते हैं पहले। एक और शिवलिंग, मतलब ये सब हिंदू भी लेनी है तो यहाँ पे सब शिवलिंग ही दिखे। यहाँ पे बट स्मेल बहुत बिखर कर रहा है इधर। केव नंबर 18 ये रही सामने छोटी सी चढ़ाई, कुछ ऐसी है। चलो चलते, छोटी सी है ये, कुछ डिफरेंट है, देखते हैं अंदर क्या है। सामने तो बड़े बड़े पिलर्स, टेंपल टाइप कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, नॉर्मल सा एक टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर है और अंदर महादेव के पिंड है, मतलब लिंग। चलो फिर अभी यहाँ से निकलते बाहर और आगे के केव्स देखते हैं। Here we go, cave number 17. And this is how it looks from the outside. Now we will go इनसाइड। चलो बाहर से तो अच्छा खासा बड़ा स्कल्पचर दिखता है, देखते हैं अंदर कैसा है। ये रहा एंट्री पॉइंट, बाहर का थोड़ा सा स्कल्पचर,
चलो चलते अंदर। ये रहा, इधर गणपति बप्पा, क्यूट से स्कल्पचर्स है यहाँ पे। अंदर एक और शिवलिंग, दिस इज द आउटसाइड। पर ये देखो कैलाश टेम्पल की और जो कि गुफा नंबर 16 है, वहाँ जाने के लिए एक्चुअली यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है, लोखंडी ब्रिज है। कैसा दिख रहा है नीचे पूरा, इस वाटरफॉल का पानी हुआ। ये ब्रिज क्रॉस करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ये लेफ्ट साइड का व्यू ब्रिज का, और ये हम देख रहे हैं राइट साइड। सही, अब फिर से अपने रास्ते की ओर चलो। अभी जो देख रहे हो ना आगे, ये 16th नंबर की गुफा है, कैलाश मंदिर, जो अखंड पत्थर में बना हुआ है पूरा। देख रहे हो कितना बड़ा है, और एक सिंगल पत्थर में काव होने की वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल माना जाता है। ये बाहर का एरिया कुछ ऐसा दिखता है इसका। हम ऊपर भी जा सकते हैं, जो टॉप पे दिख रहा है जहाँ पे कैमराज है, हम ऊपर जा सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे ऊपर जाने का, पहले हम टेंपल में जाके आते हैं एंड देन वी विल गो टू दी अपर पार्ट। लेट्स गो। और ये रहा हमारा हिस्ट्री बोर्ड, पॉज करके आराम से पढ़ लेना, मैं शूट कर लेता हूँ। भीड़ तो भी काफ़ी कम हो चुकी है तो देखने में कुछ अच्छा लगेगा। ये रहा हमारा एंट्री गेट। चलो सबसे पहला स्कल्पचर, जैसे हम एंटर करते हैं ये साइड व्यू, ये आउटर वॉल स्कल्पचर्स, मतलब बाहर की दीवार जो होती है, और यहाँ से साइड के पिलर्स, साइड ध्वज स्तंभ जिसे कहते हैं। ये रहा वो मिडवे का स्कल्पचर, बीच में जो जगह है। चलो ऊपर चलते हैं। जो मैंने पहले दिखाया था ध्वज स्तंभ इसे कहते हैं, और ये उसके बाद साइड का व्यू, ये ऊपर का, और यहाँ पे है टेंपल। ये रहा टेंपल, ये भगवान शिव का टेंपल, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेट्स सी, वो देखो सामने ही आपको महादेव की पिंडी दिखाई देगी। तो यहाँ से हम उतर के नीचे के द्वार से बाहर निकल गए, और अभी ऊपर का जो भी प्रीमिसेस है उधर का और इधर टॉप पे वो एक्सप्लोर करते हैं।
एंड दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ कैलाश टेम्पल, जो कि आपको दिखेगा पूरा एक सिंगल पत्थर में बना हुआ पूरा का पूरा मंदिर। तो मेरा एक ये विश थी कि मतलब ऊपर से भी एक व्यू लिया जाए, और आज वो कर रहे हैं हम। एक बार यहाँ से पूरा सिटी का व्यू कैसा सही है, बाप रे बाप। हालांकि बहुत ज़्यादा धूप है, देखते यहाँ से हमें ट्रैक करते करते ऐसा सर्कल कंप्लीट करके नीचे आना है पूरा यहाँ तक। ये देखो एक और केव है यहाँ पे, मतलब गुफा टाइप, शायद से ये 16th ए होगा, क्योंकि ऊपर जो देखा हमने 16th बी था, और उसके बाद फिर सिर्फ 16 मतलब हमारा कैलाश मंदिर। इसी के साथ साथ हमारा सब कुछ घूमना हो चुका है, कैलाश मंदिर भी घूम लिए, ऊपर टॉप से व्यू ले लिए। देवता देखो कितने अच्छे से प्रखर रूप में अपने। एक्चुअली प्लान तो था अभी यहाँ से कृष्णेश्वर टेम्पल जाने का, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, टाइम ऑलरेडी 5:30 हो चुके हैं, तो फिर अगर घर जाते जाते फिर और ज़्यादा लंबा लेट हो जाएगा। सबसे अच्छा फिर एक प्लान करते हैं देवगिरी फोर्ट, हम वैसे भी आने वाले दौलताबाद फोर्ट, तो उस टाइम पर फिर कर लेंगे, क्योंकि फोर्ट इतना बड़ा नहीं है जितना ये केव्स थी। तो अभी बाय बाय बोलते हैं केव्स को, एलोरा केव्स को, और फिर निकलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि अपने को कम से कम 140 किलोमीटर तो अभी क्रॉस करना है अभी, तो अच्छा खासा टाइम हो जाएगा, इसलिए फिर अभी निकलते हैं, मिलते हैं बाइक।